की सबसे बड़ी खबर के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो गया है। भागवत ने कहा है सेना से पहले तैयार हो जाएंगे स्वयंसेवक, जरूरत पड़ी तो 3 दिन में हो जाएंगे तैयार। विपक्षी पार्टियों ने भागवत के इस बयान पर सवाल उठाए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर राजनीति की दुनिया से, जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भागवत ने कहा है कि उनका मिलिट्री संगठन नहीं है, लेकिन देश को जरूरत पड़ेगी तो उनके स्वयंसेवक सेना से पहले ही 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। हम सभी के सोचोगे लेकिन गणवेश का नहीं, हमें जब सूचना है तभी पहनना, नहीं तो नहीं पहनना। आज सूचना है गणवेश का पैंट पहनो, टोपी पहनो, उसका पहन के आए बस, बाकी पूरा जूता वगैरह सब पहनना ही चाहिए, जरूर नहीं है, लेकिन हमने गणवेश में रहने की आवश्यकता नहीं। अब छोटी बात है, इसमें हमारा मिलिट्री संगठन नहीं है, मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा, संघ के स्वयंसेवकों को लेके 3 दिन में तैयार, ये हमारी क्षमता है, लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है। तो संघ के स्वयंसेवकों की आर्मी 3 दिन में तैयार हो जाएगी, मोहन भागवत के इसी बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने भागवत के बयान की निंदा की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर कहा है अगर ये बयान किसी दूसरी पार्टी के नेता ने दिया होता तो भाजपाई अब तक उसे पाकिस्तान भेज देते, मीडिया तो फांसी की सजा की मांग कर देता, लेकिन बात भागवत की है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का ये बयान। कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने भी ट्वीट किया है अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त आपकी संस्था कहां छिपी हुई थी, सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया है पहले से ही आरएसएस का पीएम काफी है। भागवत के बयान पर हो गया है विवाद, कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने यह ट्वीट किया है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह फोन से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मोहन भागवत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना से पहले उनके स्वयंसेवक तैयार हो जाएंगे, आप क्या कहेंगे? बहुत ही अपमानजनक और खेदपूर्ण बयान है, सेना का और राष्ट्र का अपमान है ये, तुरंत इससे माफी मांगनी चाहिए मोहन भागवत जी को राष्ट्र से। तुरंत 3 घंटे में 3 दिन में तैयार करने की बात कर रहे हैं, सन 1900 बनी थी, सन 1947 तक जब आज तो तैयार हो नहीं पाए, सन 1925 से सन 1947 तक देश को आवश्यकता थी तब नहीं तैयार हो पाए, 3 घंटे में बता रहे हैं। ये देखिए किस तरह के बयान दे रहे हैं, एक तरफ जम्मू में पाकिस्तान के आतंकवादी सेना पे गोलियां बरसा रहे थे, उसी समय ये बिहार में गोलियां बरसा रहे थे सेना पे। कोई आप इमेजिन करिए कि कोई अगर ये इस तरह का बयान दिया होता जी। तो आज कल से अभी तक सारे अखिलेश जी, इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, कांग्रेस भागवत के अपमान को सैनिकों का अपमान बता रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते हैं, पर अगर इन लोगों को भारत के इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता, ये लोग तो अंग्रेजों की पीरियड की बात करते हैं, उतनी दूर मत जाइए, अभी नेहरू जी के समय में जाइए या इंदिरा गांधी के समय में जाइए, उस समय संघ की क्या भूमिका थी। नेहरू जी ने तो संघ से प्रभावित होकर के यहाँ तक कहा था कि उनको 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें भी शामिल किया था। हम लोग देखिए स्वयं सेवक रहे हैं, हम लोगों ने देखा है वाराणसी में जब बाढ़ आ जाती थी तो हम लोग घर घर से खाने इकट्ठा करके उन बाढ़ पीड़ितों के यहाँ वैसे ही जाते थे जैसे आज बाढ़ के समय में मिलिट्री को बुलाई जाती है जी। तो हकीकत से ये लोग दूर हैं, ये लोग हमेशा लेकिन सपने शास्त्री में जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब हमारी सेना आतंकियों से लोहा ले रही थी, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, ऐसे में मुजफ्फरपुर से संघ प्रमुख सेना पर ही फायरिंग कर रहे थे, कांग्रेस ये कह रही है? नहीं देखिए कांग्रेस का तो इस प्रकार से हताशा निराशा कारण समझ रहे हैं जो 400 से 44 पर आ गए हैं। मेरा ये कहना है कि संघ और सेना ये दो शब्द हैं और स्वयंसेवक और सैनिक ये दो शब्द हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग शाब्दिक अर्थ में भी जाएं
तो इनको बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्वयंसेवक का स्वयंसेवक का मतलब होता है समाज में रह करके समाज की सेवा करना, और सैनिक का मतलब होता है देश की सुरक्षा करना। ये सुरक्षा ही दोनों का है। हकीकत तो यह है कि इन लोगों ने गुमराह करके जिस तरह से संघ की छवि को बिगाड़ने का काम किया है, ये अपने आप में निंदा है। नहीं तो ये अखिलेश जी को पूछना चाहिए कि नेहरू जी ने क्यों इनवाइट किया। अखिलेश जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप अपमान कर रहे हैं संघ का, अखिलेश जी बदनाम करते आए इतने सालों से। देखिए संघ क्या है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके जो गुरु गोलवर्कर की किताब है बंचेज अर्थात, जिसमें कहा गया जो इनका गीता कुरान है विचार नवनीत, उसके पृष्ठ संख्या 182-183 पे लिखा हुआ है, एक चैप्टर है बलिदान महान पर आदर्श नहीं, जो शहीद होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, ये बताया गया इनके यहाँ। और ये हमेशा झूठ का ये पहाड़ एक खड़ा कर रहे हैं, और आज के डेट में अखिलेश जी को इस कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठा प्रवक्ता माना जाता है। इनकी बातों पर कोई भरोसा भी नहीं करता है कि वो लड़ने झगड़ने का काम करते हैं। चलिए वक्त की कमी है, अखिलेश प्रताप सिंह जी और विजय सोनकर शास्त्री आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा भी मौजूद है। राकेश जी, विपक्षी दल भागवत के बयान को सेना का अपमान बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? ये विपक्ष के नेता पहले अपने लाल बहादुर शास्त्री जी से, जवाहरलाल नेहरू से पूछ लें। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो संघ के लोग 24 घंटे के अंदर दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली की पानी की आपूर्ति की व्यवस्था संभाल लिया था। और जब 1948 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था कश्मीर में, तो सैकड़ों संघ के स्वयंसेवक 24 घंटे के अंदर शस्त्र उठाकर सेना में शामिल होने को तैयार हो गए थे। मोहन भागवत जी ने संघ की उस भावना को, उस तत्परता को प्रदर्शित किया है जिसमें संघ के स्वयंसेवक अपने अपने जान को हथेली पर रखकर देश के खातिर किसी भी समय तैयार रहते हैं। देखिए जब भी बाढ़ आए, कोई दुर्घटना हो, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं, ये सब स्वीकार करते हैं। मोहन भागवत जी ने संघ की इस स्फूर्ति को देश के सामने अपने शब्दों में रखा है। जो विपक्ष के नेता ऐसा बोलते हैं, बताएं कि देश के लिए राहुल गांधी से लेकर बाकी लोगों ने क्या किया है, ये सिर्फ इतिहास की पुस्तकों में अपना ग्लोरिफिकेशन करते हैं और देश में जमीन पर कोई काम नहीं करता। ठीक है राकेश सिन्हा जी, आप विपक्षियों पर सवाल उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि देश के इतिहास में आरएसएस का अहम योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।